हाँ जी मित्रों, मैं गब्लोर। आज भी मेरे पास काफी सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु राठी के डिवोर्स के बारे में। तो आप लोगों भाई, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि भाई अभी के टाइम पे फ्लाइंग बीस्ट और ऑल्सो यार ऋतु राठी की डिवोर्स की न्यूज यार बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। इसके रिलेटेड जो भी कॉन्टेक्स्ट वगैरह था सब कुछ मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में बता दिया है, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी नहीं पता तो फिर से एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ है ऋतु राठी, उनके भी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है प्रेमानंद जी महाराज के साथ में, जहां पर यार प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में ऋतु राठी ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे महाराज जी से, जैसे कि मैं अपने बच्चों को लेके सेपरेट होना चाहती हूँ, मेरा जो पति है वो मुझे उस लेवल पे प्यार नहीं कर रहा जिस तरीके से प्रेम मैं उससे कर रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन था भाई ऋतु राठी का प्रेमानंद जी महाराज के लिए। तो जब से उनका भाई वीडियो वायरल हुआ, सारे लोग भाई नोटिस किए कि वो ऋतु राठी की वॉइस थी, उनका फोटो भी वायरल हुआ था जो कि आप लोग देख पा रहे, सारे लोग समझ ही गए थे कि ऋतु राठी ही है। एंड लोग यार फ्लाइंग बीस्ट को इसके बाद में बहुत ज्यादा हेट देने लगे थे कि भाई इसी बंदे ने कुछ किया है, इसकी वजह से यार जो ऋतु राठी है वो डिवोर्स चाहती है एंड वो अपनी जिंदगी से परेशान भी हो गई है। एंड इसके ऊपर यार कल हमें फ्लाइंग बीस्ट का रिएक्शन भी देखने को मिला था, ये वाला आप लोगों को पता ही होगा, जो कि मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में दिखाई दिया था, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं सोशल मीडिया पर ये सब चीजों के रिगार्डिंग बात कर ही नहीं सकता, बिकॉज फैमिली इश्यूज को सोशल मीडिया पर लाना सबसे बड़ी नॉनसेंस चीज होती है, ऐसा कहना था भाई फ्लाइंग बीस्ट का। लेकिन कल से यार फ्लाइंग बीस्ट और ऑल्सो ऋतु राठी की ये जो डिवोर्स वाली न्यूज भाई वायरल हुई है, इसके बाद में अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ा एलिगेशन लग रहा है भाई फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर। लोग ये कह रहे हैं कि फ्लाइंग बीस्ट ने लिटरली ऋतु राठी को भाई चीट किया है, इसलिए ऋतु राठी ने ऐसा क्वेश्चन किया था भाई प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में। एडिस्क्रेटेड भाई काफी सारे लोग अपने अपने ओपिनियन को शेयर कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के ट्वीट्स कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कुछ ट्वीट्स भी दिखा देता हूं, जैसे कि भाई एक वीडियो यार वायरल हो रहा है जहां पर यार फ्लाइंग बीस्ट ने काफी टाइम पहले यार इस चीज को रिवील किया था कि बहुत सारे यार जो मेंस होते हैं वो एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर रख लेते हैं भाई, इस वजह से बिकॉज जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है एंड तुरंत तुरंत अपना बेबी डिलीवर करी होती है, उस टाइम पे यार जो औरत होती है वो अपने पति को टाइम नहीं दे पाती, तो जो हस्बैंड्स होते हैं उनका मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर यार उसी टाइम पे हमें देखने को मिलता है। एंड ये जो क्लिप वायरल हुई है फ्लाइंग बीस्ट का वो काफी पुराना है, मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ, देखिए आप लोग। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, जब बेबी होता है ना, जब आप जब भी कपल बनेंगे, जब भी आपका बेबी होगा, सो हस्बैंड स्पेशली दे फील अ लॉट नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट टू टू थ्री मंथ्स, क्योंकि माँ का सारा टाइम बच्चे के लिए होता है। मतलब ऋतु अभी सोई है घंटे के लिए, बच्चा सारी रात जगाता है, तो जब बच्चा सोता है तो माँ सोती है, तो आपके लिए टाइम है ही नहीं बीवी के पास। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लाइक 80 to 82% ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैपेंस व्हेन यू जस्ट हैव अ बेबी। इट लुक्स थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कि यू शुड बी मोर अटैच एज अ कपल, बट फैक्ट इज और नंबर से दैट, तो हस्बैंड्स को अपना थोड़ा सा ख्याल रखें और ये देखें कि भाई जो संतान आपकी बीवी पाल रही है वो आपकी भी संतान है और आपसे ज्यादा ही मेहनत कर रही है वो, तो अपने आप को कंट्रोल में रखिए। बिकॉज कहता है ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीवी के साथ तो टाइम मिलता ही नहीं, बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं भाई साहब, प्यार व्यार दूर की बात है, बाहर कोई दोस्त मिल गया, अच्छी बात हो रही है, कॉफी साथ पी रहे, लंच साथ कर रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्ट बन जाता है और बीवी से बात होती नहीं है, यू डोंट शेयर एनीथिंग, तो धीरे धीरे वहां से अटैचमेंट बढ़ती रहती है, दूसरा आदमी अच्छा लगने लगता है। तो शक्ति भाई अपना दूसरा टाइम है, अपने को चिंता भाई। जब से ये वाला वीडियो वायरल हुआ, इसके रिलेटेड ये वाला ट्वीट काफी वायरल गया, जहां पर लिखा जाता है ब्रो कैजुअली शेयर्ड हिज ओन स्टोरी ऑफ दिस एक्स्ट्रा मैटरल अफेयर इन दिस व्लॉग। एंड इतने ही नहीं यार, काफी सारे लोग यार हेट ट्वीट्स वगैरह भी कर रहे हैं भाई अभी के टाइम पे यार गौरव तनेजा, यानी कि फ्लाइंग बीस्ट क्रिएटर। मैं आप लोगों को कुछ ट्वीट्स भी दिखा देता हूं। गौरव तनेजा सर इज वन ऑफ द माय फेमस एंड रेपुटेटेड यूट्यूबर, बट टुडे इन द वायरल ऑडियो दिस वॉइसेस आर मैचिंग विद ऋतु राठी मैन, इफ दिस थिंग्स आर ट्रू देन आई एम स्पीचलेस राइट नाउ एंड डू नॉट ट्रस्ट एनी सोशल मीडिया क्रिएटर। नहीं यार, काफी सारे और भी कमेंट्स वगैरह वायरल हो रहे थे भाई गौरव तनेजा के रिलेटेड, आप लोग देख पा रहोगे, मैं आप लोगों को सारे ही दिखा भी दूंगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि यार अभी के टाइम पे बहुत बड़ा एलिगेशन लग गया है अभी के टाइम पे भाई गौरव तनेजा के ऊपर, फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर, कि भाई उन्होंने चीट किया है ऋतु राठी मतलब अपने वाइफ को। इसके रिलेटेड भी काफी सारे ट्वीट्स वायरल हुए, मैं आप लोगों को कुछ ट्वीट्स भी दिखा देता हूं। जैसे कि मिस संगम राजपूत ने एक ट्वीट किया, वो कहती हैं चीटिंग ऑन पार्टनर हैज बिकम अ न्यू ट्रेंड ऑफ दिस जनरेशन, वाइफ्स आर चीटिंग ऑन देयर हस्बैंड्स, हस्बैंड्स आर चीटिंग ऑन देयर वाइफ्स, द सेम थिंग कुड बी बिटवीन द कपल # फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी, दिस पीपल आर द रोल मॉडल्स of crores of youth and hearing such news about this couple makes our trust weak, what we see on social media feels bad for the daughters of Gaurav Taneja। And itna hi nahi yaar, kuch aur bhi tweets viral ho rahe the, jaise ki Gaurav Taneja cheated on Ritu Rathi and both of them separated now। Aur itna hi nahi yaar, jaise ki maine aap logo ko bataya tha ki Flying Beast ne kal ek Instagram pe post karke ye bataya ki ye jitne bhi yaar news wagera viral ho rahi hain iske related yaar wo koi bhi apna opinion ya reaction nahi denge, because wo apne family wali cheezon ko bhai social media par nahi lana chahte, to is cheez pe yaar jo youtuber
यूट्यूबर वेदांत रस्ति हैं, उन्होंने रिप्लाई किया यार फ्लाइंग बीस्ट को। उन्होंने कहा, डोंट केयर व्हाटएवर इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, बट आफ्टर 6 ईयर ऑफ पुशिंग अ कैमरा इन योर फैमिली फेस, दिस इज नॉट व्हाट यू कैन से द होप एंड होप टू गेट अवे। बेसिकली यार वेदांत रस्ति का यही कहना था कि भाई आपका ये फैमिली वाला चीज तब कहां गया जब यार 6 साल से आप यार अपने कैमरा को अपने वाइफ के मुंह पे लगाते थे, अपने बच्चों के मुंह पे लगाते थे। आपका क्या रिएक्शन है भाई वेदांत रस्ति के इस रिप्लाई के ऊपर, कमेंट्स में जरूर बताना। इतना ही नहीं यार, मल्टीपल ट्वीट्स वगैरह भाई अभी के टाइम पे वायरल हो रहे हैं, मैं आप लोगों को और भी कुछ ट्वीट दिखा दूंगा, आप लोग भाई स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो। इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कल यार गौरव तरेजा यानी कि फ्लाइंग बीस्ट ने ये एक इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट किया था भाई, जहां पर यार उन्होंने ये सारी चीजों को रिवील किया कि भाई वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देंगे। इस वाले सेम ऋतु राठी ने भाई अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर किया, देखिए आप लोग। और अगर हम लोग यार फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी के डिवोर्स के बारे में बात करें तो भाई इनके डिवोर्स का मेन कारण क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि चीटिंग वाला तो काफी ज्यादा र्यूमर फैल ही रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या कि एक यूट्यूबर ने भाई एक शॉर्ट को अपलोड किया अपने चैनल पे, जहां पर उसका शॉर्ट जो है वो काफी ज्यादा वायरल चला गया। और उस शॉर्ट में उस बंदे ने भाई ये बताया कि क्या कुछ रीजन हो सकता है भाई फ्लाइंग बीस्ट एंड ऑल्सो ऋतु राठी के डिवोर्स का। उन्होंने क्या कुछ कहा वो देखिए आप लोग। जो लोग कहते हैं कि नजर वजर कुछ नहीं होता उन्हें वीडियो दिखाना, फ्लाइंग बीस्ट फेमस यूट्यूबर है, गौरव और ऋतु उनके बीच की डिवोर्स की बात सामने आ रही है। कैसे? ऋतु रिसेंटली प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में सुनाई दी, उनकी आवाज पता लग रहा है, बहुत दर्द है। उन्होंने महाराज जी से सवाल किया, मैंने अपने पति से प्यार किया पर उसके बदले मुझे छल कपट और अपमान मिला, अब मैं क्या अपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ूं? न्यूज वायरल होगी। गौरव ने भी इंस्टाग्राम पे बोला कि मैं अपने परिवार का मैटर सोशल मीडिया में नहीं बोलने वाला, लड़के रोते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते और उन्हें विलन समझा जाता है। अब उनके ब्लॉग में भी दिखाई नहीं दे रही, कुछ तो गड़बड़ है ही। पर जिंदगी देखो यार, 1 साल पहले ऋतु और गौरव दोनों महाराज जी के पास गए थे, सवाल तब क्या किया था, महाराज जी पति पत्नी 7 जन्मों तक क्या साथ रहते हैं, इतना प्यार था। महाराज ने तब आभास करा दिया था कि बस लड़ना मत, ध्यान रखना एक दूसरे का। ब्रैडली कूपर ने, अमेरिकन एक्टर, उन्होंने कहा था, खुश हो डोंट टेल एनीवन, प्यार करते हो डोंट टेल एनीवन, ट्रैवल कर रहे हो डोंट टेल एनीवन, पीपल रूइन ब्यूटीफुल थिंग्स, नजरें लगती हैं। भाई आप लोगों का क्या रिएक्शन है यार गौरव तनेजा एंड ऑल्सो ऋतु राठी के डिवोर्स वाली न्यूज के बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके रिलेटेड और भी यार अगर अपडेट्स वगैरह हमें देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं मैक्सटन के बारे में। तो भाई मैक्सटन ने इस चीज को रिवील किया कि भाई जो इंडिया है वो कभी भी चाइना को बीट क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक वीडियो को शेयर किया जो कि देखिए आप लोग। अगर तुम हिंदू हो तो तुम मोस्टली राइट विंग के पेजेस को फॉलो करोगे, और मुस्लिम हो तो तुम मोस्टली लेफ्ट विंग के पेजेस को फॉलो करोगे। और मैंने एक चीज कॉमन है कि ये जो ट्विटर पे बहुत सारे पेजेस हैं जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो यही दिखाएंगे कि हर जगह हिंदू गलत है, हिंदू ये कर रहे हैं ये वो फलान दिखाना, और जो राइट विंग वाले हैं वो ये दिखाएंगे कि हर जगह मुस्लिम गलत है ये वो फलान दिखाना। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जेन्युइन होता है कि हाँ कि लव जिहाद हुआ है ये सब हुआ है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि किसी हिंदू ने गलती की और उसका इल्ज़ाम मुस्लिम पर लगा दिया गया। तो ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पर दोनों साइड के पेजेस जो चीज़ें होती है, जो हेट होता है, उसको एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहे हैं। अगर तुम इस चीज़ पर ध्यान से देखो ना तो तुम्हारे को समझ में आ जाएगा पूरा फंडा क्या है। तो बेसिकली आज की डेट में जितना भी हेट चल रहा है ना, रिलीजियस हेट, ये पहले से बढ़ चुका है, और इसका पहले से बढ़ने का कारण ये है कि ट्विटर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच हद से ज़्यादा देता है, आप किसी भी चीज़ को कितना भी पढ़ा चढ़ा के बता सकते हो। और इसमें बहुत बड़ा रोल पॉलिटिशियंस का भी होता है, जाहिर सी बात है। मैंने तो अपने यूट्यूब वीडियोज़ में नाम भी ले रखा है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी कास्ट गेम खेलता है, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन गेम खेलता है। तो इन सबसे आगे चल के यही होगा कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर रिलीजियस हेट, फिर आएगा कास्ट बेस हेट, ये बढ़ता जाएगा, और इन द एंड इंडिया जो है पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पे चला जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात कर लेते हैं सिंगर गुरु रंधवा एंड केआरके के बारे में। तो भाई गुरु रंधवा एंड केआरके के बीच में बहुत ही क्रेजी लफड़ा हो गया भाई। बेसिकली हुआ क्या, सारी चीजों को मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं भाई। तो बेसिकली अभी हुआ क्या कि गुरु रंधवा ने अभी कुछ दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट किया, जहां पर भाई उन्होंने इस चीज को रिवील किया कि उनका बहुत जल्दी एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है। तो उसी म्यूजिक वीडियो को भाई शेयर करते हुए जो केआरके हैं उन्होंने गुरु रंधवा को रिप्लाई किया। उन्होंने कहा, अबे क्या 6 दिन 7 दिन करता रहता है तू, जाना हवा आने दे, तू एक्टर कम धोबी ज्यादा लगता है। तो केआरके को भाई लिटरली गुरु रंधवा ने रिप्लाई किया। उन्होंने कहा, भाई आप मेरे से बड़े हो बट आपसे मैं बिल्कुल इंस्पायर्ड नहीं हूँ, पहले मूवी देखो फिर क्या पता, धोबी पसंद मदरून, आपका ट्वीट 2 रुपए का था। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात लेते हैं मुनावर फारूकी के बारे में। भाई मुनावर फारूकी का लफड़ा हो गया एक प्ले ग्राउंड के कंटेस्टेंट के साथ। बेसिकली हुआ क्या, आप लोग को पता होगा कि प्ले ग्राउंड सीजन 4 में हमें इस बार मुनावर फारूकी भी देखने को मिलने वाले हैं। अभी के टाइम पर प्ले ग्राउंड सीजन 4 का शूटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गया है, जिसके कुछ क्लिप्स वगैरह हमें वायरल होते हुए दिखी, जहां पर भाई मुनावर फारूकी का एक कंटेस्टेंट के साथ में लफड़ा हो गया। बेसिकली ये जो लफड़ा है ये स्टार्ट यहाँ से होता है कि मुनावर फारूकी अपने भाई चेयर पे बैठे होते हैं, और ये कंटेस्टेंट भाई अपना यार परफॉर्म वगैरह कर रहा होता है। तो उसी टाइम में भाई वो कंटेस्टेंट मुनावर से काफी ज्यादा यार बहस वगैरह करने लगा कि भाई मेरे को कभी तो पता ही नहीं चला यार कि तुम रोस्ट करते हो या स्टैंड अप कॉमेडी करते हो। तो उसके बाद में यार मुनावर फारूकी ने इस बंदे को रिप्लाई किया था आई पिक, तो उस पे वो बंदा यार रिप्लाई किया था कि भाई आपने पीपल चूज किया था या फिर जेल चूज किया था, आप लोग समझ गए होंगे। वो बंदा यार काफी गंदे तरीके से रोस्ट कर रहा था मुनावर को। इतना ही नहीं यार, वो बंदा मुनावर को ये भी कहता है कि मैं आपसे 4 बार मिल चुका हूँ। तो मुनावर उस बंदे को भाई
ही रिप्लाई करते हैं कि देख ले तेरी लाइफ। तो मुनावर उस बंदे को रिप्लाई करते हैं कि देख ले मेरी लाइफ में तेरी क्या इंपॉर्टेंस है, तू चार बार मिला है लेकिन तब भी तू मुझे याद नहीं है, और तेरे जैसे चार बंदे मैं रोज बेच के आता हूँ। ऐसा कहना था भाई मुनावर फारूकी का, एंड काफी तगड़ा लफड़ा भी चला था। आप लोग का क्या रिएक्शन है भाई इस लफड़े के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो गाइस इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, आगे जो न्यूज़ मिलेगी यार मैं आप लोग नेक्स्ट बता दूंगा। हर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, एक सेकंड लगता है करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोग को डेली यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।